महाराष्ट्राला सध्या खेळ जगतामध्ये सुगीचे दिवस आले आहेत असं म्हणलं तर वावगं ठरणार नाहीये, कारण महाराष्ट्रातील एकूण 10 स्पर्धक युरोपमध्ये होणाऱ्या नॅशनल स्ट्रॉंग पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशिप स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहेत. द्रोणाचार्य पुरस्काराने सन्मानित जुगल धवन यांनी ही स्पर्धा आयोजित केली आहे. मैं योगेश प्रकाश माखीजा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम उल्लासनगर से 8 लोग का टीम सोनीपत हरियाणा गए हुए थे. श्री जुगल धवन सर, जिन्होंने फेडरेशन बनाया नेशनल स्ट्रॉन्ग पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप, उन्होंने एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किया है यूरोप में, वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिशन है. हम उल्लासनगर से जब 6 लोग का टीम है, पूरे महाराष्ट्र से, बल्कि महाराष्ट्र से 10 लोग का टीम, उसमें से हम उल्लासनगर के 6 लोग जो जाके हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यूरोप में जाके. काफ़ी धन्यवाद करता हूँ मैं हमारे गुरुजी संजय दाबोलकर सर, जिन्होंने हमें पावरलिफ्टिंग सिखाया ही नहीं, वो खुद भी आज भी करते हैं. 53 ईयर्स ओल्ड आज भी वो पावरलिफ्टिंग खुद करते भी हैं और हमें भी सिखाते हैं, और यही हमें ले गए थे वहाँ पर. और जुगल धवन जी जो द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है यूरोप में कॉम्पिटिशन, वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिशन. जब से हम आए हैं वहाँ से सोनीपत से सिलेक्शन लेके, बिल्कुल भी हमने रेस्ट न लेकर कंटिन्यूस अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू किया है, बिल्कुल भी रेस्ट न लेकर, क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी कंपटीशन होने वाला है और हमें अगर इंडिया के लिए मेडल लाना है तो हमें कंटिन्यू मेहनत करके वो मेडल लाना है. बहुत ही टफ होने वाला है कंपटीशन, हमें पता है, सर ने हमें पहले ही बता दिया है कि आप ऐसा पहली बार तो मेडल के लिए सोचिए ही नहीं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल कंपटीशन है. इंडिया के लिए मेडल लाना काफ़ी बड़ी बात है. मैं संजय दाबोलकर इंडिया की तरफ से इन लोग को लेके जा रहा है, लेकिन 101% इन लोग को मेडल मिलेगा ऐसा उम्मीद चाहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे अच्छा तरह से वर्कआउट लूँगा. अच्छा, इन लोग मेहनत करेंगे तो ज़रूर वर्ल्ड में इंडिया के लिए मेडल मिलेगा, और मैं भी खुद इन लोग के साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ.